दोस्तों वेलकम टू शान्स फूड गैलरी। और ये देखिए शान्स फूड गैलरी और शान का, ये है छत गार्डन। तो इस बार विंटर में काफ़ी सारा सब्जी उगाया था मैंने, तो लेटूस, अभी लेटूस में तो बीज आना चालू हो गया। अभी इससे पहले इसमें आइसबर्ग लेटूस था, कुछ रेसिडुअल अभी भी पड़ा है जो बोल रहा है कि मुझे खा भाई मुझे खा। तो चलिए ये देखते हैं। इधर देखिए ये है टमाटर, मैंने चेरी टमाटर लगाया था इस बार। तो ये टमाटर बहुत ही कलर निखर के आया है, तो आज बनाते हैं टमाटर से कुछ नया डिश। तो हम जो पका हुआ है उसको हम उठाते हैं और आज बनाते हैं एक अनोखा डिश। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा होता है, तो एक तोड़ के दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, तो ये खाने का जो मज़ा है ना, ये बाजार से खरीदा हुआ चीज़ में वो मज़ा नहीं होता है। आ गया फिर से आपका दिमाग खाने के लिए। तो मैं हूँ शान और वेलकम टू शान फूड गैलरी। कॉमन डायलॉग है पर अनकॉमन चीज़ों के साथ। पनीर पकाना है पर डिफरेंट वे से। ये है मेरे घर का छत पे उगाया हुआ, खुद का उगाया हुआ चेरी टमाटर। तो ये है चेरी टमाटर जो मैंने पहले ही शॉट दिखाया, गार्डन का शॉट दिखाया। तो चलिए ये चेरी टमाटर के साथ हम बनाते हैं पनीर का पनीर स्टियर फ्राई। तो आज कुछ अलग ही आग लगने वाला है। दो रेसिपी बनेगा पर दिखाऊंगा एक, दूसरा बाद में। तो चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। चेरी टमाटर से पहले हमको जो करना पड़ेगा, हमको जो चाहिए दैट इज पनीर स्टियर फ्राई के लिए चाहिए वेजिटेबल। बस ये एक बेल पेपर, रेड बेल पेपर है और थोड़ा सा लेटूस है मेरे पास, थोड़ा सा भुट्टा है, कुछ भी वेजिटेबल आपको चलेगा, बीन्स हो गाजर हो कुछ भी चलेगा। स्टियर फ्राई के लिए आपका जो ये पनीर होना चाहिए ना, दैट शुड बी अ क्वालिटी वन और ये थोड़ा हार्ड होना चाहिए। तो अगर हो सके तो आप पनीर को लेके आइए मार्केट से, और मार्केट से लेके आने के बाद इसको फ्रिज में डाल दीजिए कुछ घंटे के लिए, तो ये हार्ड बन जाएगा। तो टारगेट ये है कि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हम पनीर को चॉप कर लेते हैं, आधा आधा हिस्से में बांटेंगे, और आधा नहीं, मेरे पास और भी 200 ग्राम पनीर एक्स्ट्रा है तो थोड़ा सा रख देंगे दूसरा वाला रेसिपी के लिए। और अभी ये जो पनीर है, ये पनीर का मेजॉरिटी मैं डालने वाला हूँ स्टियर फ्राई में। तो हम इसको स्लाइस कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा स्लाइस कीजिए। तो दोस्तों अपना स्लाइस हो गया, तो ये देखिए हो गया अपना पनीर का पीसेस। तो हम अभी क्या करेंगे, ये जो पनीर का पीस है ये हम रख देंगे वो दूसरा वाला रेसिपी के लिए। तो चलिए अभी अपना चेरी टमाटर्स को पीस कर लेते हैं, बस उसको आधा आधा बांटेंगे। चेरी टमाटर का भी आधा हिस्सा हम ले लेंगे ये प्रिपरेशन में और आधा हिस्सा हम लेंगे दूसरा प्रिपरेशन में। तो दोस्तों हो गया अपना चेरी टमाटर चॉपिंग, चलिए आगे जाते हैं दूसरा प्रोसेस में। दोस्तों अभी ये प्रोसेस में हम क्या करते हैं, पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक हाफ टी स्पून, थोड़ा सा कसूरी मेथी और सौंफ का पाउडर, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा पिंच बस, इतना सा ही। और डालेंगे इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और मैरिनेट करके हम इसको करीब 10 मिनट तक छोड़ देंगे। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, देखिएगा कि पनीर टूट ना जाए। तो ठीक है हम इसको मैरिनेट में रख देते हैं। हमने लगा दिया एक पैन को गैस पे, तो हम अभी कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर। हाथ को रखिए हाई पे, पर ख्याल रखिए कि बटर जल ना जाए। पहले हम डाल देते हैं इसमें, स्टियर फ्राई है तो थोड़ा बादाम बहुत अच्छा लगता है इसमें, तो मैंने रोस्टेड पीनट्स लिया है, पर भून लीजिए बादाम को। दोस्तों हम डाल देंगे इसमें भुट्टा, हम डाल देंगे इसमें अदरक, डाल देते हैं ग्रीन पीस। आँच को कम मत कीजिएगा तो ये शायद स्टियर फ्राई का मज़ा ही चला जाएगा। हम डाल देते हैं इसमें अपना चेरी टमाटर का आधा पोर्शन चेरी टमाटर,
दोस्तों ये बनाने के लिए हमको चाहिए एक सॉस का कलेक्शन और इसको तेज आंच में पकने दीजिए। 1 टीस्पून ऑयस्टर सॉस हम इसमें डाल देते हैं ऑयस्टर सॉस के साथ, 2 चम्मच लाइट सोया सॉस और हम डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और हम ये सॉस में डालेंगे थोड़ा सा पानी, मिला लेंगे इसको अच्छे से और बीच बीच में इसको हम टॉस करते रहेंगे लाइटली टॉस। तो दोस्तों हो गया टॉस रेडी। दोस्तों हम इसमें डाल देंगे अपना पनीर, बस अभी तक इसमें 1/2 चम्मच नमक ही गया है। दोस्तों हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिसमे सीड्स। दोस्तों हम इसमें डाल देंगे अपना जो सॉस है, सॉस और स्लरी जो बनाया हमने वो सॉस और स्लरी को, बस दोस्तों खत्म। तो दोस्तों रेसिपी ऑलमोस्ट खत्म है, ऑलमोस्ट नहीं पूरा का पूरा ही खत्म है। बस हम इसमें डालेंगे अपना बेल पेपर। तो दोस्तों डायरेक्ट जाते हैं प्लेटिंग में और प्लेटिंग भी बहुत सिंपल है। मेरे पास है थोड़ा सा लेटुस, तो लेटुस थोड़ा बिछा देंगे ऊपर से और प्लेटिंग कंप्लीट। तो हम हाथ को बंद करते हैं, बस हो गया खत्म। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिसमे सीड मैं बाद में इस पे बिछा दूंगा। थोड़ा हम नमक का बैलेंस टेस्ट कर लेंगे। दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है, हम ढक देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। तो चलिए सीधा जाते हैं प्लेटिंग की तरफ। तो दोस्तों हम अभी प्रेजेंटेशन के लिए पूरा रेडी है और अभी हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मिर्ची। मेरा बेटा खाने वाला था तो मिर्ची अभी तक डाला नहीं, तो थोड़ा सा बेटे के लिए हटा के रखा है और अभी हम डाल देते हैं इसमें मिर्ची। तो इसमें जो स्वीटनेस खटास का जो बैलेंस रहेगा वो मिर्ची से आ जाएगा। और डाल दीजिए इसमें भरपूर लेटुस, तो ये लाएगा आपका ग्रीन टेक्सचर। और ज़्यादा हिला उली मत कीजिए और इसको ये लेटुस के साथ ऐसे ही रहने दीजिए, तो इसका ग्रीन टेक्सचर आ जाएगा। और अभी हम डायरेक्टली इसको करेंगे प्लेटिंग। थोड़ा सा हम इसमें प्लेटिंग से पहले मिला देते हैं चेरी टमाटर, जो थोड़ा सौते हो जाएगा ये गर्मी गर्मी में और प्लेटिंग में अच्छा टेक्सचर दे देगा। चलिए हो गया आज का रेसिपी इधर ही ख़त्म। देखिए रंग रूप ग्लैमर कोई भी एंगल से ये कम है क्या कोई नॉन वेज से। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते कोई नया रेसिपी लेके। ये है आज अपना फाइनल प्रेजेंटेशन, स्टीयर फ्राइड पनीर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना दूर और गुड नाइट। अच्छे रहिए, खुश रहिए और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये कंटेंट अनोखा कंटेंट है। चलिए गुड नाइट।